Hello everyone, this is Mukesh Kumar, a health counselor, a diet and nutrition educator, and my expertise in food as medicine. So, simple ways to manage and reverse diabetes. ये वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझो। तीन पॉइंट आपको देने वाला हूं, इन तीन पॉइंट को फॉलो करो। पहला पॉइंट, ईट लेस विद न्यूट्रिशियस फूड। इसका मतलब क्या है? कम खाना है, न्यूट्रिशियस फूड को साथ में ऐड करना है। मतलब आप जो भी खाना खाते हो, रोटी है, राइस है या दाल है, जो भी खाना आपके घर पे आप ट्रेडिशनली खाते हो, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दो। मतलब जैसे सुबह में तीन रोटी खाते हो, प्लीज उसको दो रोटी करो। क्यों? आपको अपने स्टमक को फुल नहीं भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्टमक को हमेशा थोड़ा खाली रखना है, क्योंकि स्टमक थोड़ा खाली रहेगा उसकी वजह से आपका स्टमक की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी, आपके पैनक्रियास की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। अगर स्टमक और पैनक्रियास की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फ्यूचर में शुगर कंट्रोल होगा, डायबिटीज मैनेज होगी और रिवर्स भी होगी। तो जितना भी खाना खाते हैं उस खाने को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, स्टमक को थोड़ा खाली रखेंगे खाने के टाइम पर, एंड डाइट में न्यूट्रिशियस फूड को भी ऐड करना है। मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, इनको भी ऐड करना है। एग्जांपल के लिए सुबह में थोड़ा फ्रूट्स ऐड करो, नट्स सीड्स ऐड करो, स्प्राउट्स ऐड करो, लंच में थोड़ा वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स ऐड करो, डिनर में थोड़ा वेजिटेबल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करो। तो फर्स्ट पॉइंट, ईट लेस फूड विद न्यूट्रिशियस फूड। आपको फूड की क्वांटिटी रिड्यूस करनी है और साथ में न्यूट्रिशियस फूड को भी ऐड करना है। सेकेंड पॉइंट, सो सेकेंड पॉइंट इज अबाउट फिजिकल एक्टिविटी एंड वॉकिंग जस्ट आफ्टर योर फूड। जब भी आप अपना खाना पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको ध्यान देना है कि या तो आप वॉकिंग करेंगे, मींस अगर आपने ब्रेकफास्ट फिनिश किया, लंच फिनिश किया, डिनर फिनिश किया है, या तो आप फिजिकली एक्टिव रहो, ऑफिस में हो थोड़ी एक्टिविटी करो, बाहर हो एक्टिविटी करो, जो भी हो एक्टिविटी करो, एंड या फिर वॉकिंग करने की कोशिश करो। तो फिजिकल एक्टिविटी या वॉकिंग खाने के बाद आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड थर्ड पॉइंट इज ब्रीदिंग बिफोर बेड टाइम। सोने के पहले ब्रीदिंग जरूर करना है, डीप ब्रीदिंग, सोने के पहले डीप ब्रीदिंग जरूर करना है। क्यों? अगर बिफोर बेड टाइम आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, सो बिफोर बेड टाइम डीप ब्रीदिंग की वजह से आपकी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होते हैं। जब बॉडी और माइंड रिलैक्स होंगे तो स्लीप क्वालिटी स्लीप होगी, बहुत अच्छी परफेक्ट स्लीप होगी। जब नींद और स्लीप बहुत अच्छी होगी आपकी, उसकी वजह से जब आप सुबह में उठोगे कंप्लीटली बॉडी इंटरनल ऑर्गन रिलैक्स हो चुके होंगे और उनकी परफॉर्मेंस बहुत परफेक्ट हो चुकी होगी। इसकी वजह से आपके शुगर भी अच्छे होंगे, इसकी वजह से आपकी डायबिटीज मैनेज भी होगी, रिवर्स भी होगी। सो सिंपल पॉइंट रखना है, कम खाओ थोड़ा सा, न्यूट्रिशियस फूड को ऐड करके खाने के बाद फिजिकली एक्टिव रहो, वॉकिंग करो, सोने के पहले डीप ब्रीदिंग करो। इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले शुगर चेक करो, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ, और वीकली शुगर चेक करो, आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज आप फॉलो करो। अगर कुछ क्वेरी क्वेश्चंस है इन पॉइंट्स से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, प्लीज नीचे आप कमेंट करो। एंड अगर हमारा वन ईयर का आपको रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम या डायबिटीज डाइट मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है, सो आप इंडिया, यूएस, यूके, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कहीं से भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है। थैंक यू सो मच।